ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਕਆਊਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬਸ ਰੈਡੀ ਆ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੂਬੇ ਮਤ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਟੁਡੇ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੁਡੇ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਚੈਸਟ ਐਂਡ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਕਮ ਹੇਅਰ ਮੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋ ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋ ਕੀਪਟੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੋ क्या आया जोश प्री वर्कआउट का असर ज्यादा हो गया टी शर्ट भी उल्टी पहन के आ गई Even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go हे गाइस वेलकम है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में और आज दोबारा से हम चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करने जा रहे हैं बट आज के वर्कआउट में जो डिफरेंट चीज़ क्या है कि हम सुपर सेट्स करेंगे और हम थोड़ी डिफरेंट एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे हंसी मजाक करेंगे और ये भाई को प्री वर्कआउट का असर स्टार्ट हो गया तो ये कह रहा है कि जल्दी से करो और जल्दी जल्दी हम आगे इसको वर्कआउट को दिखाएँगे और उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चलें फिर चलो स्टार्ट करते हैं तो भाई सबसे पहले मैंने करा वार्म अप पुशअप्स के साथ जो मैं रोज़ करता हूँ और चेस्ट की एक्सरसाइज से पहले स्पेशली जरूर करता हूँ फिर हमने 15 केजेस का लाइट वेट से पहला सेट किया इंक्लाइन बेंच पे जिसके साथ सुपर सेट में हमने पुली पे फ्लाई करी इंक्लाइन फ्लाई और इसी तरह हमने 3 सेट करे वेट इंक्रीज कर करके तेरी टी शर्ट उल्टी लग रही है उल्टी लग रही है टी शर्ट देख इसमें पीछे लिखा हुआ है अबे उल्टी पहन सीधी पहन ले भाई सीधे काम किया कर उल्टे काम मत किया कर क्या बात है क्या बात है प्री वर्कआउट का असर ज़्यादा हो गया टी शर्ट भी उल्टी पहन के आ गई तो गाइस यही होता है प्री वर्कआउट लेने के बाद आपको होश नहीं रहता कि आप क्या पहन रहे हो क्या कर रहे हो फिर मैंने 25 केजीस के 2 डंबल लिए और अपना सेकंड सेट कंप्लीट किया अगेन मैंने पुली से फ्लाई करी इंक्लाइन पे फिर हमने थोड़ी सी वर्कआउट की प्लानिंग करी कि हम कितने सेट्स करेंगे कितने देर का गैप लेंगे और कैसे कैसे परफॉर्म करेंगे तो हमने ये डिसाइड किया कि हम सारी एक्सरसाइजेस सुपर सेट्स में करेंगे और 6 एक्सरसाइज को हम 3 सुपर सेट्स में करेंगे कैपेचिनो तो या वो लाते ये इंग्लिश नहीं चलेगी यहाँ अच्छा हो गया आ, आ, सी लेट है। अच्छा हूँ की करना है आज चेस करनी है शादी तो खत्म हो गई है ना आजे कि थे, आया पूछ लो एक बार पूछ लो सब खत्म और की चलो आओ एक एक एक्सरसाइज हुई है चलो आओ एक बोला बढ़िया और कल कहाँ था बस सर कल थोड़ा काम था आ नहीं पाया तो ये भाई साहब पहले आएंगे कॉफ़ी पियेंगे एक एक बंदे से जिम में मिलेंगे और उसको कहेंगे तू क्या कर रहा है कहाँ से आता है कह रहा गुड़गांव से आते हो सबसे पंगे अब उसके बाद जाएगा उसको बोलेगा आप कहाँ से आते हो फिर कॉफ़ियाँ पिएगा फिर जाके स्टार्ट करेगा मेरे को केड़ा बंदा ग्रेट है तू क्या रहा ठाकुर साहब आते साढ़े ठाकुर साहब
क्या लगता है? बढ़िया। अरे उसको इंजरी हो जाएगी कल, कहेगा मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई है। नहीं होएगी पक्का? पक्का। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਕਆਊਟ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬਸ ਰੇਡੀ ਆ ਬਾਬੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮ ਰੇਡੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੂਬੇ ਮਤ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਬਸ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੁਡੇ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਚੈਸਟ ਐਂਡ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਕਮ ਹੇਅਰ ਮੈਨ। This is the pro. I'm telling y'all, this is the one of the best pro. Kirti Nagar pro. Brother till gym and after gym for some hours. Inni angrezi kyu jaad raha vaise tusi? Angrezi aur ki kitna se? Oh, punjabi nahi hundi. Tu kya kar raha hai? Kya karna hai abhi? Legs ho gayi teri? Haan ji ho gayi. और है मन करने का? हाँ जी। कितना बोलू? बोल। थोड़ा और करने का? थोड़ा मन है। हाँ जी। 250 ग्राम? 250 ग्राम। 100 ग्राम? 900 ग्राम। 900 ग्राम है? हाँ जी। तो पूरा 1000 ग्राम ही कर ले। कर लेता हूँ। क्या करना है बता? शोल्डर करेगा? शोल्डर। ये भाई साहब आ गए हैं बीच में। की करना? चेस्ट कर लेता हूँ। चेस्ट है? चेस्ट कुछ उस कोई ये सब नहीं चलेगा पब्लिक वीडियो में। रेडी हम ना इधरों कैसे रेडी हैगा? इधरों कैसे रेडी हैगा है? इधर चेक कर दी ना पर। अच्छा चेस्ट चेक कर रहे हो तुसी? ठीक है भैया। ठीक है तुसी? ठीक है ना? मैं ठीक हैगा। उतारा डाउट हो रहा है। चल चेस्ट कर, पुशअप्स लगा। थैंक यू। सेकंड एक्सरसाइज हमने करी है बेंच प्रेस, जिसमें हमने सुपर सेट किया है पेग डेक फ्लाई के साथ। तो इस भाई ने भी हमारे साथ सोचा कि एक्सरसाइज कर ली जाए, और इसने भी बेंच प्रेस की स्टार्ट लेग्स के वर्कआउट को करने के बाद। जो क्या आ गया तेरे को है? आप लोग देख के आए। क्या आया? जोश आया। जोश? तेरे को मेरी बात का बुरा तो नहीं लगता? नहीं। पक्का? बिल्कुल पक्का। फिर ठीक है। तेरी कल मम्मी ने कॉल आ गया। तो भाई कई बार कई लोगों को हमारे वर्कआउट को देख के एक मोटिवेशन आ जाता है, और वो लोग भी कहते हैं कि हमें और वर्कआउट करना है। तो उसी का एक एग्जांपल था कि वो बोल रहा है कि मुझे जोश आ गया, मैं लेग्स का वर्कआउट करने के बाद भी अभी मेरे अंदर एनर्जी है कि मैं चेस्ट भी कर लूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देख के। और इसी तरह जिस भाई ने जब जोश दिखाया तो हमारे वर्कआउट के बीच में इंटरप्शन भी आया थोड़ा, बट कोई बात नहीं। कोई अगर वर्कआउट कर रहा हो तो उसको बीच में रोकना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैंने अपना सुपर सेट को कंटिन्यू किया और फटाफट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। फरीज भाई ने अपने आप को कुछ अलग अंदाज में सेट किया बेंच पे, अपनी बॉडी को बैलेंस किया, और उसके बाद बेंच प्रेस पे अच्छा वेट लगा के पुश किया। सब लोगों का अपना एक अलग तरीका होता है बेंच पे अपने आप को सेट करने का, एक्सरसाइज करने का। चलो चलो। उसके बाद इस ब्रदर ने भी हमारे साथ जब ज्वाइन किया था उसके बाद बेंच प्रेस से स्टार्ट किया, और काफ़ी अच्छा वेट इन्होंने भी पुश किया ऊपर की तरफ।
और इन सब भाइयों के साथ वर्कआउट करके अच्छा लगा। तो थर्ड और फाइनल एक्सरसाइज हमने करी डिक्लाइन बेंच प्रेस, और इसको हमने अच्छे वेट के साथ स्टार्ट किया और उसके साथ हमने वर्कआउट करा। उसके बाद हमने करी क्रॉस ओवर केबल फ्लाई, जिससे हमने अपने वर्कआउट को ख़त्म किया। हमने 6 एक्सरसाइज परफॉर्म करी 3 सुपर सेट्स के साथ, और फिर इस भाई ने भी इसी को सेम रिपीट किया। फिर उसके बाद मैंने फाइनली ख़त्म किया इस एक्सरसाइज को। उम्मीद करता हूँ हमारा आज का ये वर्कआउट आपको अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि वर्कआउट हमने क्या क्या किया है, 3 सुपर सेट्स में कौन कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करी हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपको इन्फॉर्मेटिव या फिर एंटरटेनमेंट, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना मेरी इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। जाते जाते एक बार डिप्स का भी सेट हमने किया, जिसमें हमने चेक करी कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है आफ्टर वर्कआउट। और आखिरी में हमने शर्टलेस होकर चेक किया कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, मेरा कितना वेट कम हुआ है और उसका क्या मसल में इम्प्रूवमेंट है। अरे वो करो ना सलमान खान वाला। तो भाई हम जिम के बाहर आ गए हैं। जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो सोचा कि किसी को परेशान ना करें, और बाहर आ गए हैं। वर्कआउट हमारा ख़त्म, और फिर जल्दी मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम, और किसी और वर्कआउट के ऊपर बनाएंगे वीडियो। आज चेस्ट का वर्कआउट दिखाने का मोटिव ये था कि आपको सुपर सेट में दिखाएँ कि किस तरह इंटेंस वर्कआउट किया जाता है। इंटेंस ट्रेनिंग करी है, जिसमें हमने सुपर सेट्स करे हैं 6 एक्सरसाइजेस के, 2-2 पार्ट में, और बड़ा मज़ा आया। हमने बॉडी पंप करी और बहुत मजे मस्ती करी और बहुत अच्छा लगा हमें। लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। और कुछ बोलना चाहोगे? लाइक सब्सक्राइब शेयर। हिंदी में पंजाबी में कुछ बोलना चाहोगे? लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो तो शेयर कर रहे हो प्लीज मैन, द बेस्ट जिम, आई एम टेलिंग यू ऑल, एक्सट्रीम फिटनेस, पीस यू ऑल, टेक केयर, बाय, सी यू।